हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ निकास। सो गाइस, मुझे जस्ट ऑफिस से अभी छुट्टी हो गई है। मतलब अभी 6 बजे मैं ऑफिस से निकला हूँ। एक्चुअली छुट्टी तो मुझे 5:30 बजे ही होती है, बट काम में थोड़ा स्टक हो गया था इसलिए आज 6 बजे ऑफिस से निकला हूँ। और बस मेरा फ्रेंड ऑफिस के अंदर ही है, मतलब कंपनी के अंदर ही है, वो अभी बाहर निकलने का है। जैसे वो बाहर निकलता है हम दोनों साथ में जाएंगे। दोस्तों, मैंने बाइक भी चेंज कर लिया है अभी। पहले वो सिटी 100 था, रेड कलर का, थोड़ा ख़राब हो गया था गाड़ी। अभी दूसरा गाड़ी लेके आया हूँ मैं कंपनी से, वो भी सिटी 100 ही है, बस थोड़ा सा न्यू मॉडल है और थोड़ा अच्छा भी है। आपको गाड़ी भी दिखा देता हूँ, गाड़ी के पास में ही हूँ मैं। सो गाइज, ये है गाड़ी सिटी 100। हेलमेट भी दिया हुआ है और कंडीशन भी ठीक है, आने जाने के लिए फ़िलहाल तो ठीक ही है और बहुत अच्छा है, उससे तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे हम लोग बाइक को पार्क करते हैं। वैसे पार्किंग उधर भी है मगर उधर की पार्किंग पूरी फुल हो जाती है हमारे आते तक, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू पार्क हियर और बाइक। अभी देखते हैं, लगभग 10 मिनट में तो आ ही जाएगा वो। काफ़ी दोस्तों, इधर का जो एनवायरमेंट है काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे में हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी साइड में ही बस हमारा कंपनी है और ऑल एरिया हिली है। और इसके बाजू में ही सिम्बोसिस एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है दोस्तों। सो अगेन आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आपको पता है सलमान खान की एक मूवी है, मूवी है बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड का जो शूटिंग है यहीं पे हुआ था सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी में। जब वो कॉलेज का सीन होता है ना, कॉलेज का जब सीन होता है, वो जो करीना कपूर होती है जो कॉलेज में पढ़ते रहती है, तो वो पूरा जो व्यू है, पूरा जो रिकॉर्डिंग है, पूरी जो शूटिंग है, वो सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी में ही हुई है। और जस्ट जैसे कि आप मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये लुपिन LRP है, रिसर्च लुपिन पार्क करके पुणे का। यहाँ पे R&D ज़्यादा होते रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बाजू में ही पीछे में हिली पहाड़ों के ऊपर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को बनाया गया। काफ़ी बेहतरीन और बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे भी देखोगे तो आपको सब दिख जाएगा। अगर मेरे पास ये फ़िलहाल ऑप्शन नहीं है अंदर एंट्री करने का, या इतना टाइम भी नहीं है मिल पा रहा अभी कि उसका एक अलग से ब्लॉग बना पाऊँ, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों कि अगर मुझे ऐसा चांस मिल गया कि सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी विज़िट करने का, बाजू में ही है वैसे तो, और उसको विज़िट करके उसका ब्लॉग बनाने का, तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। सो गाइस, फ्रेंड आ चुका है और अभी हम फटाफट से चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते और निकलते हैं रूम की ओर। तो चलिए। फाइनली इतना ट्रैवल करके मैं बस पहुंच गया हूँ रूम पर। और दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ऑफिस से निकलने के बाद में थोड़ा लंबा ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन उसका पीछे का रीज़न ये है कि आज थोड़ा हम लोग घूम के आए, क्योंकि हमें थोड़ा जस्ट बाइक को थोड़ा हल्का सा उसका ब्रेक का प्रॉब्लम आ गया था, तो उसे रिपेयर करना था, तो उसको थोड़ा रिपेयर करके
घूम के आए, इस वजह से थोड़ा रूम पर पहुँचने में टाइम लग गया। दोस्तों जस्ट मैं रूम के पास आ चुका हूँ, फाइनली रूम पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू है, एक नया होटल बन रहा है। सो जस्ट अभी रूम पर जाके फटाफट से फ्रेश हो जाते हैं, फिर देखते हैं आगे डिनर के लिए कहाँ जाना है और आगे का क्या है, देखते हैं। तो फटाफट से दोस्तों पहले फ्रेश हो जाते हैं और मिलते हैं फिर फ्रेश होने के बाद। तो दोस्तों जस्ट रूम की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ और यहाँ पे बाजू में डांस क्लास है। अच्छा, आई वांट टू, बाजू में डांस क्लास है, जैसे मैं रूम की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो बाजू में डांस क्लासेस की प्रैक्टिस होती है, उसका भी हल्का सा व्यू आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, बिना पूछे किसी क्लासेस का डायरेक्ट वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही जस्ट आपको दिखा पाया। सो फाइनली रूम के पास पहुंच चुका हूँ। सो दिस इज माय रूम। सो फ्रेंड, मैं रेडी हो चुका हूँ और रेडी होके आपके सामने खड़ा हूँ। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है रेडी होने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों रेडी होने के बाद, थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद बेड पे आराम कर रहा हूँ और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आज खाना खाने कहाँ जाएंगे। सो भाई किरण, खाना खाने किधर जा रहे हो? यार रूममेट है गाइस मेरा, आपको तो पता ही है, एज यू आर माई यूट्यूब फैमिली यू नो वेरी वेल, मेनी टाइम्स ही जस्ट केम इन माई वीडियोज। सो इसको भूख लग गई है जल्दी, तो ये जल्दी खाना खाने जा रहा है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है चल, अभी थोड़ा भूख लगने का है और बाकी फ्रेंड्स भी आने के हैं, तो बाकी फ्रेंड्स के आने के बाद डिसाइड करते हैं कि खाना खाने कहाँ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बाकी फ्रेंड्स भी आएंगे, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे खाने को कहाँ जाना है। सो फाइनली मेरे साथ में एक लोकेंद्र है और एक है लोकेन, दोनों का नाम लोकेश, बहुत दोनों का नाम ऐसे सेम है। सो लोकेंद्र से पूछते हैं कि आज खाना खाने कहाँ जाएंगे। तो लोकेंद्र भाई ये है अजमेर से, राजस्थान, हाँ राजस्थान अजमेर से है, और दूसरे भाई लोकेश ये भी ये एमपी से, भोपाल से। सो लोकेंद्र भाई मुझे ये बताओ कि आज अपन खाना खाने कहाँ जाएंगे और बाकी फ्रेंड्स भी आ चुके हैं। महाराजा रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, और आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान है चामुंडा। अच्छा भाई चामुंडा में जाएंगे और हम लोग जाएंगे, कहाँ पे? महाराजा में जाएंगे। एक्चुअली मैं बताऊँ कि महाराजा पे मैं एक पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, सो मेरे यूट्यूब फैमिली को मैं बोल बता सकता हूँ कि अगर आपको महाराजा के बारे में देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या वीडियो यूट्यूब पे जाके आप महाराजा रेस्टोरेंट के बारे में देख सकते हो। वैसे चामुंडा के ऊपर तो मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया चामुंडा रेस्टोरेंट के, बहुत जल्द बनाएंगे जैसे ही समय मिलता है। तो लोकेन भाई, I want to request you to say something my YouTube family. आप मेरे YouTube family से क्या कहना चाहेंगे? आप YouTube में यही कहना चाहेंगे कि हमारे भाई को सपोर्ट करिए, और ये हमारे भाई बहुत सारी वीडियोज बना रहा है, जैसे लाइक मोटिवेशनल टीचिंग, न्यू प्लेसेस पे जाना, उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करना। जीवन भाई आप लोग महाराजा तो महाराजा में जाना है, और ये भाई आप बताइए निकास, देखिए अपन को तो आइडिया नहीं बोलना क्या है। खाना खाने चलते हैं, आओ सब लोग जो भी हैं अभी यहाँ पे हमारे भाई के जो सब्सक्राइब कर रखे हैं, आइए खाना खिलाते हैं आपको चामुंडा, ताकि महाराजा तो नहीं जाते हैं, तुम्हारा ही पैसा आपके लगेगा भाई। चाहते हैं कि हमारा हम पैसा दें तुम्हारे भाई के 1,00,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ओके ओके, हो जाएंगे डेफिनेटली हो जाएंगे। सो गाइस
जस्ट अभी हम लोगों ने डिसाइड कर चुका है कि हम लोग खाना खाने सॉरी महाराजा में ही जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलने वाले हैं महाराजा में, और महाराजा में जाके खाना खाते हैं और उसके बाद आगे की वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस खाना खाने चल रहे हैं हम लोग, साथ में लोकेंद्र है, ये उमाकांत है और वैभव है। आप लोग वैभव से इंट्रोड्यूस नहीं हुई है अभी, जस्ट थोड़ी देर पहले ही है। तो ये वैभव है, तो चलो खाना खाने चलते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि हम लोग जस्ट छत्रपति शिवाजी चौक के पास ही रहते हैं, और दो दिन बाद दैट इज 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त जल्लोस होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त मजमा होने वाला है। तो डेफिनेटली आई विल शो यू कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 19 फरवरी को जो जल्लोस होगा, 19 फरवरी को जो माहौल होगा वो दिखाने का। तो अभी हम फटाफट से चलते हैं महाराजा की ओर। सो पहुँच गए हैं हम लोग, आप देख रहे हो बैक साइड में महाराजा। सो फाइनली आ गए हम लोग। दिख रहे महाराजा, क्या मंगा है? क्या मांग रहा है? सोयाबीन बड़ी। ओके ओके अंडा भुंजी तूने दिया, और ये वैभव ने तूने काय मांगितले? काय मांगितले? शोभाजी ओके सोयाबीन बड़ी मैं लूंगा। शोभाजी सोयाबीन बड़ी मतलब थाली, उसमें सिर्फ शोभाजी वो मंगा ले। सो गाइस खाना कंप्लीट हो चुका है, और अभी मिल्क लेने के लिए, मिल्क पैकेट लेने के लिए जाएंगे डेयरी, और डेयरी से लेंगे हम लोग मिल्क, और वहाँ से जाएंगे फिर डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? लोकेंट पीजी दैट इज़ और रूम। तो डेयरी जाके मिल्क पैकेट लेते हैं और फिर रूम चलते हैं। तो अमूल का ले लिए, अभी चलते हैं। फाइनली हम लोग रूम पर पहुंच चुके हैं और मिल्क भी ला लिए, है मिल्क पैकेट। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।